हाय गाइस, आपका स्वागत है द न्यू ट्रिगल चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट सेल्फी कैमरा फोन्स के बारे में, वो भी हर बजट की। सेल्फीज आजकल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। पहले तो होता था कि सिर्फ लड़कियां होती थी जो कि सेल्फी लेती थी, लेकिन अब लड़कों ने तो लड़कियों को पीछे छोड़ दिया है। और सेल्फी कैमरा को सिर्फ पिक लेने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि कई सारे हमारे ऐप्स हैं जैसे कि टिकटॉक हैं, और उनके अंदर भी सेल्फी कैमरा को यूज़ किया जाता है। उसके बाद लाइव आना हो अगर आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे या इंस्टा पे, तब भी आपके लिए बढ़िया चीज़ रहेगी। और उसके बाद अगर आपको वीडियो कॉलिंग करनी हो तो उसके लिए भी आपको एक बढ़िया सेल्फी कैमरा चाहिए। तो इसीलिए आज ये मैंने लिस्ट बनाई है ताकि आप अपने बजट के हिसाब से अपना बढ़िया सेल्फी कैमरा ले सकें। अब एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं लिस्ट शुरू करने से पहले, कि ये जो हमारे बेस्ट फ़ोन हैं ये सिर्फ मेगापिक्सल के बेस के ऊपर नहीं है, बल्कि जो हमारा एंड रिजल्ट आता है, मतलब जो बढ़िया पिक क्वालिटी आती है, फोटो क्वालिटी, उसके बेस पे मैंने ये बेस्ट फ़ोन निकाले हैं टेस्टिंग के बाद। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे 10,000 रुपये के बजट के फ़ोन्स के बारे में। इसके अंदर पहले तो एक और बात है कि Redmi Y3 मैंने कंसीडर नहीं किया, क्योंकि उसकी जो सेल है वो हमारी 30 तारीख को स्टार्ट होगी, तो वो हमारा नेक्स्ट मंथ आएगा। मतलब उसकी भी पहले टेस्टिंग होगी, उसके बाद पता चलेगा कि वो नेक्स्ट मंथ आएगा या नहीं आएगा। इस लिस्ट में कंसीडर नहीं किया मैंने उसको। तो 10,000 रुपये के बजट में हमारे पास जो बेस्ट सेल्फी कैमरा डिवाइस आता है वो है हमारा Realme का U1, जिसके अंदर आपको मिलता है 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो आइए इसके पिक्स पे नजर डालते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा नॉर्मल मोड है, ये हमारा ब्यूटी मोड है, जिसके अंदर मैंने विविड मोड एक हमें मिलता है इस डिवाइस के अंदर, जिससे आप कलर्स को और बूस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा विविड मोड है, और इसके साथ ये आप देख सकते हैं बुके मोड में हमारा ब्लरिंग इफेक्ट, एज डिटेक्शन काफी अच्छा है डिवाइस का। लो लाइट में भी आप देख सकते हैं हमारी पिक्स बहुत ही बढ़िया आई है, नॉइस काफी कम है। और इसके साथ अगर हम वीडियोग्राफी की बात करें, सो गाइस आप देख सकते हैं कि ये है हमारा वीडियो सैंपल हमारे Realme U1 का। इसके सेल्फी कैमरे से मैंने ये वीडियो लिया है जिसकी वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है। सो ओवरऑल देखा जाए तो आप इस डिवाइस के सेल्फी कैमरा को अच्छे से एंजॉय करेंगे। 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है हमें 10,000 के नीचे के बजट में, ये हमारे लिए एक बढ़िया ऑप्शन बन जाता है। इसका खरीदने का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। सो अब अगर हम बात करें 10,000 से 15,000 रुपये के बजट में बेस्ट सेल्फी कैमरा फ़ोन, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके अंदर Realme 3 Pro को नहीं कंसीडर किया, क्योंकि उसकी सेल भी हमारी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। जब वो स्टार्ट होगी उसके बाद टेस्टिंग के बाद पता चलेगा कि वो फ़ोन इस लिस्ट में आएगा या नहीं। वैसे नहीं आएगा वो इस लिस्ट में, क्योंकि उसके अंदर बताया गया है कि Realme U1 का जो हमें कैमरा मिलता है 25 मेगापिक्सल का, वही आपको Realme 3 Pro में मिलता है। और तो इसीलिए हमारी इस लिस्ट का जो विनर है वो है Oppo का K1, जिसके अंदर आपको 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। और Oppo का 25 मेगापिक्सल और Realme के 25 मेगापिक्सल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आइए मैं आपको इसका सैंपल दिखाती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस डिवाइस को आप 15,000 रुपये के बजट में कैसे ले सकते हैं। वैसे ये हमारा 17,000 रुपये का डिवाइस है, लेकिन इसके ऊपर एक ऑफर चल रही है, पर पहले हम पिक्स पे नज़र डालते हैं। ये आप देख सकते हैं ये हमारे ओप्पो की पिक्स हैं, काफ़ी बढ़िया पिक्स हैं इसकी। नॉर्मल मोड हो, ब्यूटी मोड हो, या फिर हमारा पोर्ट्रेट मोड हो, उसके अंदर आप देख सकते हैं ब्लरिंग इफेक्ट बहुत ही बढ़िया लग रहा है। पिक्स में एक अलग ही जान आई हुई है। और साथ ही अगर मैं आपको इसकी लो लाइट पिक दिखाऊं तो वो भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर नॉइस तो कम है और पिक हमारी थोड़ी ज्यादा ब्राइट नजर आ रही है। और इसके साथ हाय गाइस, आप देख सकते हैं ये है हमारा वीडियो सैंपल ओप्पो के K1 के सेल्फी कैमरा का। 25 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा हमें मिलता है उसकी वीडियो क्वालिटी आपके सामने है। देखा जाए तो इसके अंदर हमें बढ़िया पिक्स मिल रही हैं, बढ़िया वीडियो मिल रही है। साथ ही अगर इसके प्राइस की मैं बात करूं तो वैसे ये हमारा 17,000 रुपये का डिवाइस था, लेकिन 1,000 रुपये का इसके ऊपर आपको एक्सचेंज मिल जाएगा अगर आप कोई भी अपना पुराना फ़ोन एक्सचेंज करते हैं, और 5% कार्ड डिस्काउंट, तो कुल लगा के ये डिवाइस आपको लगभग 15,000 रुपये का पड़ जाएगा। इसका खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, और अगर आप इसके डिटेल में फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसकी अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट बजट के बारे में, 15,000 से 20,000 रुपये के बजट में। इस बजट में हमारे पास जो डिवाइस आता है वो काफ़ी स्टाइलिश लुकिंग डिवाइस है, वो है हमारा वीवो का V15। देखने में ये डिवाइस बहुत ही प्यारा लगता है, और सबसे बढ़िया चीज़ है जो कि है इसका सेल्फी कैमरा। 32 मेगापिक्सल का आपको इसके अंदर सेल्फी कैमरा मिलता है, वो भी पॉपअप स्टाइल में, जिसको कि यूज़ करने में अलग ही मज़ा आता है। मतलब शो ऑफ करने के लिए भी आपके लिए बढ़िया ऑप्शन बन जाता है।
एक्चुअल में इसके बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आपके सामने ही सैंपल्स हैं, बढ़िया पिक्स आएंगी आपकी, चाहे आप नॉर्मल मोड में लें, चाहे आप ब्यूटी मोड में लें। ब्यूटी मोड में वैसे आपको इसके अंदर काफ़ी सारे और भी फीचर्स मिल जाते हैं, फेस थिनिंग, नोज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, फोरहेड को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, चिन को कर सकते हैं, जॉ लाइन को कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। और उसके साथ आपको इसके अंदर जो पोर्ट्रेट मोड मिलता है वो आप देख सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, अलग अलग इफेक्ट्स, स्टूडियो लाइटनिंग, रेनबो इफेक्ट, मोनोक्रोम इफेक्ट, मतलब हर इफेक्ट में आप बढ़िया अपनी सेल्फीज ले सकते हैं। और उसके साथ लो लाइट पिक्स जो आई हैं इस डिवाइस की वो हमारी काफ़ी अच्छी आई हैं। इसके अंदर हमें स्क्रीन फ्लैश ही मिलता है लेकिन सेल्फीज हमारी बढ़िया लग रही हैं। अब इसके साथ अगर आप इसकी वीडियो पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं। हाय गाइस, ये है हमारा वीडियो सैंपल हमारे वीवो के V15 के सेल्फी कैमरा का, और आप देख सकते हैं इसकी हमारी वीडियो क्वालिटी भी काफी बढ़िया आई है। सो, अगर आपको कम बजट में स्टाइलिश लुकिंग सेल्फी कैमरा चाहिए, बेस्ट सेल्फी कैमरा, तो आप इसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें 20 से 30 हजार रुपए के बजट में, तो इस बजट में आता है हमारे पास वीवो का ही वीवो V15 Pro। इसके अंदर भी हमें पॉपअप स्टाइल में सेल्फी कैमरा मिलता है 32 मेगापिक्सल का। तो चलिए इसकी पिक्स पर भी नजर डालते हैं। वैसे तो आज मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी एक पिक अपलोड करी थी, वो भी मैंने इसी कैमरा से करी थी, काफी लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं सोचा बता दूं। और इसके साथ आप देख सकते हैं इसके पिक्स के हमारे सैंपल बहुत ही प्यारे आए हैं, हर मोड में, नॉर्मल मोड भी बढ़िया नजर आ रहा है, और ये हमारा ब्यूटी मोड है ये भी मस्त नजर आ रहा है। और इसके साथ हमें इसके अंदर भी काफी सारे पोर्ट्रेट इफेक्ट्स मिलते हैं, मतलब ब्लरिंग इफेक्ट तो बढ़िया है लेकिन पोर्ट्रेट इफेक्ट भी आपको बढ़िया मिल जाते हैं। ये मोनोक्रोम इफेक्ट है, ये रेनबो इफेक्ट है, मेरे को तो एक्चुअल में इसका रेनबो इफेक्ट ज्यादा बढ़िया लगता है यूज करने में। और इसके साथ आपको बढ़िया क्रिएटिव पिक्स ले सकते हैं आप, मतलब आपको काफी ज्यादा ऑप्शंस मिल जाती हैं अपनी क्रिएटिविटी दिखाने में अपनी सेल्फी में। उसके साथ लो लाइट पिक्स भी आप देख सकते हैं हमारी काफी अच्छी आई है। और इसके साथ अगर हम इसके वीडियो सैंपल पे नजर डालें, हाय गाइस, आप देख सकते हैं ये हमारा जो वीडियो सैंपल है ये है हमारे वीवो के V15 Pro का, और इसकी वीडियो क्वालिटी भी हमारी काफी बढ़िया आई है। तो आप देख सकते हैं वीडियो क्वालिटी बढ़िया है और पिक्स भी हमारी एकदम ऑसम आई हैं। तो दोनों तरीके से, पिक के लिए हो, वीडियो के लिए हो, आप इसके सेल्फी कैमरे को अच्छे से इंजॉय करेंगे। वैसे इस रेंज के अंदर हमारे पास एक और डिवाइस आता है जो कि है हमारा सैमसंग का A70, और उस डिवाइस के अंदर भी हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। दोनों में देखा जाए तो थोड़ा सा फर्क है, मतलब ये अगर 100 में से 100 है तो वो हमारा 100 में से 90 पे है, उसकी भी सेल्फीज हमारी बढ़िया आती हैं, बट वीवो का ही वीवो V15 Pro ज्यादा बढ़िया आती है। कुछ लोग होते हैं जिनको वीवो के डिवाइस लेना पसंद नहीं होता, तो अगर आप सैमसंग लेना चाहते हैं तो सैमसंग के लिए भी जा सकते हैं, उस डिवाइस में भी बहुत सारे फीचर्स दिए हैं सैमसंग ने, उसकी अनबॉक्सिंग देख सकते हैं आप डिटेल में उसके बारे में जानने के लिए। अब अगर हम बात करें हमारे 30,000 से 40,000 रुपए के बजट में बेस्ट सेल्फी कैमरा डिवाइस, तो हमारे पास आता है काफी प्रीमियम लुकिंग डिवाइस ओप्पो की तरफ से, जो कि ये है हमारा ओप्पो R17 Pro। ये आप देख सकते हैं हमारे सैंपल्स, हमारे नॉर्मल मोड हो, ब्यूटी मोड हो, एकदम मस्त लग रहा है, क्रिस्प फोटोग्राफ आ रही है एकदम टेस्टफुल सी। और उसके साथ बुके मोड में भी आप देख सकते हैं बढ़िया ब्लरिंग इफेक्ट मिल रहा है हमें, लो लाइट सेल्फी भी आप देख सकते हैं काफ़ी ब्राइट अप लग रही है, नॉइस भी कम है, मज़ेदार सेल्फी आई है। और वीडियो सैम्पल की भी बात कर लेते हैं हम। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये हमारा जो वीडियो सैम्पल है ये है हमारा ओप्पो के R17 Pro के सेल्फी कैमरा से, और इसकी वीडियो क्वालिटी भी हमारी काफी अच्छी आ रही है। इसकी वीडियो क्वालिटी हमारी काफी अच्छी आई है बाकियों से, और ओवरऑल देखा जाए तो सेल्फी कैमरा आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा यूज करने में। बट मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी हुई है, काफी सारी टेस्टिंग भी करी हुई है, तो देख सकते हैं वो सारे वीडियोस को, और इसका जो खरीदने का लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने। ये डिवाइस हमारा 37,000 रुपए का है, इसका 8 GB रैम, 128 GB वाला वेरियंट। अब अगर हम बात करें हमारे प्रीमियम रेंज के बारे में, तो प्रीमियम रेंज में हमारा बेस्ट सेल्फी कैमरा फोन है हमारा सैमसंग का S10 Plus, जिसके अंदर आपको मिलता है डुअल कैमरा फ्रंट साइड में। ये आप देख सकते हैं नॉर्मल मोड हो, ब्यूटी मोड हो, इसकी पिक्स हमारी बहुत ही बढ़िया आई हैं, एकदम टेस्टफुल सी पिक्स आई हैं। आपको इसके अंदर बुके मोड में भी काफी सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं जिनको आप अपने हिसाब से पिक लेने के बाद भी कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब आपको किस टाइप का ब्लरिंग इफेक्ट चाहिए आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट काइंड का ब्लरिंग इफेक्ट मिलेगा जो कि आपके पिक को और क्रिएटिव बना देगा। और उसके साथ आप अगर लो लाइट पिक की बात करें अगर हम, तो लो लाइट में भी आप देख सकते हैं हमारी इसमें काफी अच्छी पिक आई है, और वीडियो सैंपल पे नजर डाल लेते हैं।
सो ये हमारा वीडियो सैंपल है हमारे सैमसंग S10 Plus के सेल्फी कैमरा का। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें जो वीडियो क्वालिटी मिल रही है वो काफी बढ़िया है। डिटेल में फीचर्स के बारे में जानना हो तो आप इसकी अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। वैसे इस रेंज में हमारे पास एक हुआवे का P30 Pro भी आता है जो कि हमारा कैमरा किंग है। उसके पिक्स तो हमारी बढ़िया आती हैं लेकिन एक्चुअल में वीडियो वाइज देखा जाए तो हमारा सैमसंग उससे बेटर है, इसीलिए सैमसंग हमारा बेस्ट सेल्फी कैमरा डिवाइस बन जाता है। सो गाइस ये थे हमारे बेस्ट सेल्फी कैमरा डिवाइसेस जिनको आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। मैं जल्द वापस आऊंगी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।